नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। बजरंग पुनिया के बाद वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान भी लौटाएंगे पद्मश्री। सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट हो रही वायरल। बजरंग पुनिया के बाद झज्जर के एक और पहलवान ने अपना पद्मश्री लौटाने का निर्णय लिया है। अब गांव सासरोली निवासी वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान ने पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने इसको लेकर इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट डाली है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, हरियाणा में सीजन का पहला घना कोहरा, अगले 3 दिन राहत नहीं। हरियाणा में शनिवार को सीजन का पहला घना कोहरा छाया। सुबह दृश्यता 5 मीटर से कम रही। बादल छाए रहने से तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को हिसार का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री था और शनिवार को 6.5 डिग्री तक पहुँच गया। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंग की पंचायत आज भाई पर हुआ था जानलेवा हमला, अब तक नहीं हुई आरोपितों की गिरफ्तारी। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई महेश को जलाकर मारने के प्रयास के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से खफा। आज प्याली चौक स्थित पार्क में बिट्टू बजरंगी पंचायत करेंगे। बिट्टू ने अपने समाज के लोगों से इस पंचायत में आने का आह्वान किया है। गश्त पर मौजूद पुलिस टीम पर हमला, एक सिपाही को किया घायल, मौके से फरार हुए बदमाश। संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोकना पुलिस टीम को भारी पड़ गया। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश को एक युवक ने सिर पर नुकीली चीज से हमला कर मौके से फरार हो गए। 2 युवकों को पुलिस टीम ने मौके पर ही पकड़ लिया। कांग्रेस में पायलट को अहम रोल, प्रियंका ने छोड़ा यूपी का जिम्मा। 1.25 साल बाद खड़गे ने बनाई अपनी टीम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की कमान संभालने के 1.25 साल बाद अहम संगठनात्मक बदलाव करते हुए 2024 की अपनी चुनावी टीम को गठित कर दिया है। इसमें सबसे अहम बदलाव यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी और बिना किसी दायित्व के पार्टी महासचिव बनी रहेंगी। अविनाश पांडे उनकी जगह यूपी के नए प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं। खिलाड़ी किसी के टूल ना बने, साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा पर सांसद रमेश भिधूड़ी का आया बयान। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI चुनावों पर तीखी बहस के बीच भाजपा सांसद रमेश भिधूड़ी का बयान सामने आया है। भिधूड़ी ने कहा कि नया अध्यक्ष केवल अपना काम करेगा और खिलाड़ियों को भी अपना काम करना चाहिए। ड्रोन अटैक झेलने वाले इजरायली जहाज पर 25 भारतीय चालक दल थे सवार, नौसेना कर रही हमले की जांच। अरब सागर में इजरायली जहाज पर बीते दिन हुए ड्रोन अटैक की जांच भारतीय नौसेना कर रही है। इसके लिए युद्धपोत INS मोर्मुगाओ भारत आने वाले व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पहुंचा। इसी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था जिसे ईरान की ओर से किया गया माना जा रहा है। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जताया उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि यह देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 2 प्रमुख गेंदबाजों ने टीम में की वापसी। दक्षिण अफ्रीका की टीम 26 दिसंबर से भारत के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका एक बार टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करके अपने 31 साल के रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले टीम में लौटे विराट कोहली, इस वजह से ली थी छुट्टी, BCCI ने किया खुलासा। भारत 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने जा रहा है। 2 मैचों की सीरीज के लिए रोहित शर्मा के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। विराट कोहली मैच से पहले टीम के साथ शामिल हो गए हैं।